ढाबे वाली एक ऐसी स्पेशल सब्जी जिसको खा के आपको बिल्कुल ढाबे वाला फील आएगा। और अगर आप स्पेशली मेरी तरह राजस्थान में जाके कोई ढाबे पे हॉल्ट करते हैं ताकि आपको वो राजस्थान का फेमस गट्टे की सब्जी मिल सके, तो अब जो है आपको ऐसा करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बिल्कुल वो ही वाली रेसिपी यानी कि एकदम राजस्थानी स्टाइल से आज मैं आपको गट्टे की सब्जी सिखाने वाली हूँ। तो इसके लिए ना आपको सबसे पहले लहसुन भर भर के लेनी है, जो यहाँ की मैंने 12 से 15 जितनी कलियाँ ले ली हैं। एक हरी मिर्च ले ली है, 2 टमाटर ले लिए हैं। अब ये जो हमारी लहसुन है इसको हमें एकदम बारीक काट लेना है, आप इसे चॉप भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है हम मिर्ची ले लेंगे, उसको हम बीच में से लंबा काट लेंगे और उसको जो है हम और जो है पतला पतला कट कर देंगे। फिर उसके बाद हम ले लेंगे टमाटर, तो यहाँ जो टमाटर है उसे हमें ना यहाँ पे ग्रेट करना है यानी कि कद्दूकश करना है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही टेस्टी बन सके। तब हमने ग्रेट कर लिया, अब हम बेसन गट्टा बना लेते हैं, जिसके लिए हमें लगेगा बेसन, जो कि हमने ले लिया है 3 बड़े चम्मच जितना। अब हमें यहाँ पे डाल देना है 1/4 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अब हम डाल देंगे हल्का सा हींग यानी कि पिंच ऑफ एसाफेटिडा यानी कि हींग डाल देंगे। 1/2 छोटा चम्मच हम अजवाइन डाल देंगे, उसको हाथ से मसल के डाल देना है। इससे एक बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, इसलिए इसको स्किप मत करना। यहाँ हम पहले 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले तेल आप इसमें मिक्स हो जाएं। क्योंकि मुझे थोड़ा तेल कम लग रहा था तो मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल और यूज़ कर लिया और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसको हम एक डो में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं, बस आपको वैसे ही पानी डाल के आटा गूंदना है। बट ध्यान रखना है यहाँ पे हमें बहुत पानी नहीं यूज़ करना है, यहाँ पे जो पानी है हमें बहुत ही थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करना है। आप देख सकते हैं हमारा जो बेसन गट्टे का जो डो है वो आपने देखा कैसा बना है, यानी कि है ना, ना सख्त है और ना ही नरम है। तो वैसा आपको जो है वो डो बनाना है, फिर वो जो डो है ना उसको आपको सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट कर देना है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने आपको वीडियो में दिखाया है। तो अब जो है ये हमारा जो सिलेंड्रिकल शेप का डो है वो बनके तैयार हो गया है। तो यहाँ आपने देखा कैसे मैंने तेल डाला और बहुत ही थोड़ा पानी डाला। तो अब हम जो है इसको छोटे छोटे टिक्कियों के शेप में जो है वो कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे तेल डाल रहे हैं, इससे क्या होगा हमारे जो गट्टे हैं वो एकदम मुलायम बनेंगे। क्योंकि कई बार मुझे ये लोग बोलते हैं कि हमारे गट्टे की सब्जी जो है वो बन तो जाती है लेकिन हमारे जो गट्टे हैं ना वो बहुत ही सख्त बनते हैं या फिर हमारे जो गट्टे हैं वो टूट जाते हैं यानी कि बिखर जाते हैं। तो अगर आप इस तरीके से बेसन गट्टा बनाएंगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपका जो गट्टा है वो बिल्कुल भी जो है वो टूटेगा नहीं और बिल्कुल भी सख्त यानी कि हार्ड नहीं बनेगा। अब आती है एक बहुत ही छोटी सी ट्रिक, हम यहाँ पे कुकर ले लेते हैं और इसके अंदर हम डाल देंगे 3 बड़े चम्मच जितना तेल। और अब उस तेल में हमें ना बेसन को जो है वो हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ही हल्का सा फ्राई करना है। इससे हमारे जो गट्टे हैं वो हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करें, कोई हार्ड नहीं होंगे आपके गट्टे और अंदर से भी जो है वो एकदम मुलायम रहेंगे। तो यहाँ जब मैं गट्टा बना रही थी तो मैं आपको बताना भूल गई कि हमें गट्टे के अंदर नमक भी डालना है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप आटा बना रहे हैं यानी कि बेसन का आटा जब आप डाल रहे हैं उसके अंदर और सारे मसाले डाल रहे हैं तो साथ में हल्का सा नमक भी डाल दें स्वाद के अनुसार। फिर उसके बाद जो है हमें वो गट्टे को बाहर निकालने के बाद थोड़ा और ऑयल ऐड करना है कुकर के अंदर और उसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पे एकदम बारीक कटी हुई हमारी लहसुन की कलियां। उसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर मिर्च यानी कि हमने जिसे काट लिया था वो हमें डाल देनी है। तो यहाँ मैंने 1 लिए है, आप अपनी स्पाइस लेवल के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम ले सकते हैं। फिर उसको भी हम सॉटे कर देंगे, जब हल्का सा हमारा जो लहसुन है वो ब्राउन होना शुरू हो जाए यानी उसका कच्चापन चला जाए, हम डाल देंगे इसके अंदर हमारा ग्रेट किया हुआ टमाटर, जो हमने 2 टमाटर को ग्रेट किया था उसे आपको डाल देना है।
और इसको जो है आप पकाएं जब तक इसका जो टमाटर है उसका भी कच्चापन ना चला जाए। फिर उसके बाद इसमें नमक डाल दें, यहाँ पे आपको स्वाद के अनुसार नमक डालना है। एक छोटा चम्मच आपको कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना है, आधा छोटा चम्मच आपको हल्दी का पाउडर डाल देना है और फिर उसके बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें। तो आप देख सकते हैं इसको पकाना है, मसाले डालने के बाद भी पकाना है और पहले भी थोड़ा सा पकाना है, फिर हमें मसाले डालने हैं। फिर हम यहाँ पे पानी डाल देंगे, तो यहाँ पानी आपको अपने अकॉर्डिंग डालना है, यानी कि आपको कितनी गाढ़ी चाहिए सब्जी, यानी कि कितनी गाढ़ी ग्रेवी चाहिए या फिर कितनी पतली चाहिए, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। फिर हमें यहाँ पे बेसन गट्टा जिसको हमने हल्का सा फ्राई कर दिया था वो डाल देंगे और फिर इसको जो है आपको हाई फ्लेम पे सिर्फ और सिर्फ एक विसल तक ही आपको इसको जो है वो सीटी मरवानी है, क्योंकि अगर आप और ज़्यादा सीटियाँ मरवाएंगे तो इससे आपके जो गट्टे हैं वो टूट सकते हैं। इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही सीटी तक जो है इसको पकाना है। तो अब हमारी जो सब्जी है वो बन के तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। तो यहाँ मैं प्रिफर करती हूँ कि जो ग्रेवी हो वो ना गाढ़ी हो और ना ही पतली हो, इसलिए मैंने उस हिसाब से आधे से एक कप के बीच में मैंने पानी डाला है। तो आप जो है अपने अकॉर्डिंगली इतना ही पानी डालें या कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे गट्टे कैसे बन के तैयार हो गए हैं, बिल्कुल एकदम पूरे पूरे गट्टे हैं, आप देख रहे हैं बिल्कुल टूटे नहीं हैं और एकदम सॉफ्ट बने हमारे गट्टे। इसलिए इसको ज़रूर से ट्राई करें और ये रोटी के साथ जो है वो खा के तो मज़ा आ जाता है, इसलिए इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए जाएं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर से शेयर करें।